नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर में हम लोग दो तरह के मिरर्स देखेंगे, एक रहेगा कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉनवेक्स मिरर। एक आप बता दो, एक आप बता दो, हम बता देते हैं। कॉनकेव, कॉनकेव किसे बोलते हैं? बोले जो ऐसा दिखे वो कॉनकेव, जो ऐसा दिखे वो कॉनवेक्स, ऐसा। Which is polished from outside and whose reflecting surface is thinner. दोनों लैंग्वेज हो सकती है, जिसको बाहर से पॉलिश किया जाए और अंदर का सरफेस उसका रिफ्लेक्टिंग हो, उसे बोला जाता है कॉनकेव। और जिसके अंदर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और इनर सरफेस पॉलिश्ड है, उसे बोला जाएगा कॉनवेक्स। ये इनर सरफेस, इनर कैसे पता चला? हमने स्फेरिकल वर्ड यूज किया है। तो ये एक स्फीयर हो गया, इस स्फीयर का हमने एक टुकड़ा ले लिया, तो स्फीयर के अंदर का हिस्सा ये वाला, तो हमने बोला इनर सरफेस। ये हिस्सा बाहर वाला हमने बोला आउटर सरफेस। अब इस स्फेरिकल पार्ट का सेंटर हमारे पास हो गया ओ, है ना? सेंटर से लेके जो डिस्टेंस होता है नॉर्मली हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेडियस। ना स्फीयर के अंदर ये कहलाता है रेडियस। यहाँ पर हम इसे नाम देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर हम ओ पॉइंट से डिजिग्नेट ना करते हुए पॉइंट यूज करते हैं सी, ठीक। ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज पॉइंट सी। और सी का जो डिस्टेंस कहां से, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? थोड़ा थोड़ा सबको आता है। इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं पोल। इट इज डिनोटेड बाय पी। ये डेजिग्नेशन कंफर्म है कि यही रहेगा। ये पॉइंट जो है जहां से हमारी मेन एक्सिस, इस मेन एक्सिस को हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर मिरर को कट करे उस पॉइंट को नाम दिया जाएगा पोल। पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल एफ फोकस, और उस डिस्टेंस को नाम दिया जाएगा फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट। और डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। फोकस का डेजिग्नेशन कैपिटल है और जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल है। इधर वाले को देखोगे तो ये वाला हमारा पूरा स्फीयर हुआ। स्फीयर का सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से प्रिंसिपल एक्सिस तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका आधा लिया फोकस, इस डिस्टेंस को नाम दिया फोकल लेंथ, बराबर। तो ये डेजिग्नेशन हमें चाहिए ही चाहिए। अपन कॉनकेव और कॉनवेक्स मिरर, तो वर्ड अभी फिलहाल पोल, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस और फोकल लेंथ। हर एक चीज को हम लोग मेजर करते हैं हमेशा कहां से? पोल से। जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, सपोज करिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से फ्रॉम द पोल इज डेजिग्नेटेड बाय यू। ऐसे इमेज का जो भी डिस्टेंस होगा दैट इज डेजिग्नेटेड बाय वी, ठीक। कर्वेचर के लिए डिस्टेंस सेंटर तक का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल है, फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ स्मॉल है, ठीक। आर और एफ की रिलेशन, आर इज इक्वल टू टू एफ। मैंने बोला ना कि ये वाला आपका सेंटर है, इस सेंटर का आधा डिनोट कर दो बाय कैपिटल एफ, तो आधा वन मतलब कैपिटल आर इज टू टाइम्स ऑफ स्मॉल एफ। कितना लिख लो देखते हैं आगे।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट रे डायग्राम्स। पहले हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं रे डायग्राम के। तो रूल वाइज हमारे पास में फर्स्ट रूल बोलता है इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली हमारी इंसिडेंट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे पासेस थ्रू द थ्रू फोकस। अगर लाइन पैरेलल आ रही है तो फोकस पे से पास होगी, ये हमारा पहला बोल। दूसरा बोलता है कि अगर फोकस पे आ रही है द इंसिडेंट रे इंसिडेंट्स थ्रू अ फोकस देन इट बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। एरो मार्क प्लीज देखिएगा, पैरेलल आ रही है फोकस पे से जाएगी, फोकस पे से आ रही है पैरेलल हो जाएगी। दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, व्हेन द इंसिडेंट रे इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इंसिडेंट रे है वो कहां से आ रही है, सी पे से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से आ रही है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अगेन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम लोग बोलते हैं सी टू सी। पैरेलल आएगी तो फोकस पे से, फोकस पे से आएगी तो पैरेलल, उसके बाद सी पे से आएगी तो वापस सी पे से ही जा रहे। और नेक्स्ट हमारे पास में रहेगा कि इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द पोल देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स बैक टू द सेम साइड। यहाँ पर एग्जैक्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लेते हुए जिधर से पोल पे आई है उस तरी साइड वो रिफ्लेक्ट होके वापस से चली जाएगी। ये सारा मिरर जो हम लोगों ने लिया है कौन सा है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए पहले चार रूल ड्रॉ करिए। बेसिक रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम में। ये बोलना कि कोई रूल आपसे पूछ रहा है तो रूल्स आपसे नहीं पूछे जा रहे, लेकिन इसके बिना आप खुद कुछ ड्रॉ भी नहीं कर सकते। अब हम लोग ले रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मतलब मिरर कॉन्वेक्स ड्रॉ हो गया। पहला रूल हम लोगों ने बोला कि द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन क्या बोला था, इट पासिस थ्रू फोकस। अब हम बोलेंगे इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। फोकस पे से जाएगी नहीं, क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होके तो वो उधर चली गई, लेकिन अगर उस लाइन को हम पीछे की तरफ ले जाए, डॉटेड लाइन से आपको ड्रॉ करना कंपलसरी, क्योंकि ये एक्चुअल लाइन नहीं है, एक्चुअल लाइन तो आपकी वहां रिफ्लेक्ट हो चुकी, तो क्या होगा, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। इसमें वर्ड जो ऐड होगा वो होगा अपीयर्स। दूसरा वाला अब बोलो, पहले हमने बोला था इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन फोकस देन इट बिकम्स पैरेलल। अभी क्या बोलेंगे, इफ द इंसिडेंट रे अपीयर्स टू फॉल ऑन फोकस देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन वही है लेकिन चेंज क्या हो गया, अपीयर्स, क्योंकि इसका फोकस उस साइड है तो लाइट उधर नहीं जा रही, लाइट सिर्फ अपीयर हो रही है कि वो उस तरफ गए। थर्ड हम लोगों ने बोला C to C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापिस आ रही है। यहाँ क्या बोलेंगे, हाँ, इफ द इंसिडेंट रे अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट ट्रेसेस बैक टू द सेम पाथ। एरो मार्क यही ड्रॉ होंगे, एरो मार्क यहाँ मत कर देना, एरो मार्क यहाँ है क्योंकि लाइट यहाँ है, यहाँ पे सिर्फ अपीयर वर्ड है और यहाँ पे सिर्फ डॉटेड लाइंस है। कभी भी एरो मार्क यहाँ ड्रॉ नहीं करना, ये चीजें पूरी ध्यान रखने के लिए। लास्ट वाला पोल से पोल तक, तो ये वाला तो डेफिनेटली
अभी अपने को क्या चेंज करना है, मिरर चेंज कर दीजिए, ये वाला तो आपका सेम रहेगा, पोल पे से आ रहा है और पोल पे से वापस जा रहा है, यहाँ पे अपीयर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पोल है, ये आपका पूरा कॉन्वेक्स मिरर के लिए चार आपके रूल्स। चलिए नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। चलिए बोर्ड पे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म एट फोकस, द इमेज विल बी पॉइंट साइज, बहुत ही छोटी सी इमेज जो है वो बनेगी, एंड इट विल बी रियल एंड इनवर्टेड, जैसी भी होगी वो रियल इमेज होगी, मतलब कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, और इनवर्टेड का मतलब जो इमेज है वो उल्टी होगी। उसके बाद में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी, इट विल बी लिटिल, कैसी, हाँ छोटी रहेगी, पॉइंट साइज की जगह हम लोग वर्ड यूज करेंगे डिमिनिश्ड या स्मॉल साइज, दोनों लैंग्वेज चलेगी, it will be real and inverted. Now the object is kept at a C, the image is formed also at C, dono C C par aa gaye, same size hai, here also it is real and inverted. Ab uske baad mein hum log lenge between F and C, the image will be formed beyond C, the it is enlarged, real and inverted. Now the image is, sorry, object is at focus, the image is formed at infinity, it is highly enlarged, real and inverted. समझ में आएगा? ये हमारे पास में concave mirror, object हम लोगों ने infinity पर ले रखा है, ये वाला मैंने object लिया, डायग्राम में बाद में समझा रहे हो, अभी सिर्फ इतना कि जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो है वो बन रही है फोकस, ये फोकस है, इससे डबल हमारा रहेगा सी, अंदाजा हमेशा देखने का डायग्राम ड्रॉ करते हुए, अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट दे रखा है तो अगर 3 सेंटीमीटर है तो आपको डबल सिक्स लेना ही है, अदरवाइज ड्रॉ करते हुए अगर आपने ये इतना लिया है तो डेफिनेटली ये भी अंदाजा इतना ही रहेगा, देखने पर आपको नजर आ रहा है कि ये डिस्टेंस से। अब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा तो बोले इट इज बियॉन्ड सी, ठीक, जब ये बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां पर आ गई, बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को आप राइट साइड ला रहे हैं, इमेज जो है वो लेफ्ट साइड जा रही है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज फोकस पर है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आया, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, अब ऑब्जेक्ट एट सी तो इमेज ऑल्सो एट सी, ठीक, अब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी, अब ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज एट इनफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट को इधर लेते जाइए और इमेज को उधर पहुंचाते जाइए, बराबर समझ में आएगा। उसके बाद में अब लास्ट बिटवीन एफ एंड पी, अभी बाकी एक और कहां पर आ गए, बिटवीन एफ एंड पी, अब एफ एंड पी के लिए तो जगह ही नहीं बची क्योंकि जब फोकस पे था तो इमेज कहां पर बन गई, इंफिनिटी पर, अब इंफिनिटी से दूर तो जा नहीं सकते तो इमेज कहां पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो यहां तक हमारा पार्ट पांच जो है वो एक जैसे हो गए, अगर आप देखोगे तो सेंटर वाले को आप सी और सी लेंगे, फर्स्ट वाला इंफिनिटी और फोकस क्रॉस कर दो, फोकस और इंफिनिटी, बियॉन्ड सी एफ एंड सी, अब बियॉन्ड सी इधर आ गया, एफ एंड सी इधर चला, बराबर, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इट इज एनलार्ज्ड,
यहाँ पर लास्ट आपका रहेगा वर्चुअल एंड इमेज। इमेज कहाँ बन रही है? बोले मिरर के पीछे। तो जब मिरर के पीछे बन रही है तो वो क्या कहला रही है? वर्चुअल। मिरर के सामने बन रही है तो रियल, लेकिन इट इज इन्वर्टेड, और इसके पीछे जा रही है तो वर्चुअल एंड इरेल। वो भी लिखना हो आपको डायग्राम लेते हैं हम लोग। फर्स्ट केस हम लोग लेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पर है। तो इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? कि द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जहां तक हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, उस प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो ऐसे में हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे नहीं ले सकते। हम लोग उसे एक जनरल वैल्यू में ले लेते हैं कि कहीं पर ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। अब यहाँ से हमने ली इंसिडेंट रे, पैरेलल जा रही है, इट पासिस थ्रू, बराबर चलेगा। इसीलिए रूल जरूरी है कि जब पैरेलल है तो पासिस थ्रू फोकस। अब नीचे से भी, यहाँ से भी जाने दो, पैरेलल बोलो पासिस थ्रू फोकस। तो यहाँ पे खाली एक डॉट जैसा आपको नजर आया, हमने बोला था इमेज फॉर्म इज अ पॉइंट साइज। अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है टी, उसके बाद ये वाला एफ, उसके बाद सी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता दूं, यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है इट इज डिजाइनेटेड बाय यू, और इमेज का डिस्टेंस जो होता है दैट इज डिजाइनेटेड बाय वी। तो ये पूरा आपका डायग्राम कंप्लीट है। सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी, मतलब कहां पर रखना है हमें? कम से कम लाइन पर तो होनी चाहिए। पहली बार पैरेलल जा रहा है, कहां से पास होगा? फोकस पे से। दूसरा सी पे से जा रहा है, बाकी कहां पर आएगा? सी पर आएगा। रूल याद रखिए, पैरेलल जा रहा है पासेस थ्रू फोकस, और सी पे से जा रहा है वापस भी सी से ही आएगा। ये दोनों लाइन, कौन सी लाइन? रिफ्लेक्टेड वाली जो लाइंस है, ये पहली रिफ्लेक्टेड, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड, जहां पर मीट करती है वहां पर हमें मिलती है इमेज। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया फोकस, ये वाला हो गया सी। सीधा लिखा अपन ने ए बी, इनवर्टेड बनाए, यहाँ पर ए डैश और यहाँ पर बी डैश। ए ऊपर है, यहाँ ए डैश, बी है यहाँ पर बी डैश। अलग अलग इसलिए क्योंकि साइज अलग अलग है। उसके बाद ए बी से प्रिंसिपल तक का, पोल तक का सॉरी डिस्टेंस यू, और ए डैश बी डैश से पोल तक का डिस्टेंस। ठीक, थर्ड सी पर, पैरेलल है, कहां जाएगी? फोकस पे। फोकस पे से है वापिस कहां आएगी? इट बिकम्स पैरेलल। एक्चुअली इस डायग्राम को जब हम ऐसे बनाने जाते हैं अंदाज में तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ समझा रहे हो कि मेरे लिए ये पॉइंट जो है वो कहीं और जाके मीट कर गया। मुझे एग्जैक्ट आंसर कहाँ पर चाहिए था? यहाँ पर, और मेरे लिए मीटिंग पॉइंट थोड़ा सा पीछे रह गया। तो जब हम ऐसा वाला डायग्राम बनाने जाते हैं तो अंदाज बार थोड़ी सी बेईमानी कर लेते हैं। ले लिया अपन ने, ये हमारा ऑब्जेक्ट, सेम साइज की हमारी इमेज एग्जैक्ट। ठीक, अब ये पैरेलल है, पासेस थ्रू फोकस, ऐसे ही फोकस बिकम्स पैरेलल। तो हमारे पास पहले हमने डेजिग्नेशन बना लिया, उसके बाद ड्रॉ कर लिया, तो इजी गोइंग ड्रॉ हो जाएगा। अदरवाइज आप मेजरमेंट से करिए, कोई मनाही नहीं है। पैरेलल पासेस थ्रू फोकस, दूसरा फोकस बिकम्स पैरेलल, इस पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, ये आपका कहलाएगा
ए बी और ये ए डैश बी डैश भी हो गया ए बी, ये पॉइंट है एफ, ये पॉइंट है सी, ये यू बी आई है और वी बी आई, यू वी आर सब कुछ इक्वल। अभी बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट रखा, पैरेलल पासेस थ्रू फोकस, और उसके बाद दूसरा सी टू सी। अब इस वाले डायग्राम में भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर उसको दिखाना है कि भाई यहाँ पर उसका मीटिंग पॉइंट ऐसा आएगा। अगर आपको मिल जाता है पहली बार में तो वेल एंड गुड, ये जैसे यहाँ पर आ गया हमारा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो पहले क्या करना इमेज बना लेना और उसके बाद उसकी लाइंस को वापस देख लेना। ये ऑब्जेक्ट पैरेलल कांसेप्ट निकला, फोकस स्पेस है, और ये इसके टिप पे से सी पे जा रहा है और सी से ही वापस आ रहा है। ये हो गया ए और बी, ये वाला हो गया नहीं बेटा ये पॉइंट पर नहीं बना, एक मिनट, न मैम बन तो गया, आपको क्या समझ आया बेटा, ये वाली लाइन जो हमने ली है ये कौन से पॉइंट कहलाएगा, सी पर, सी पर नहीं बननी चाहिए। और लाइन कौन सी मीट करनी चाहिए थी, ये ऊपर वाली और ये वाली जहाँ पर आ रही है वहां पर एक पॉइंट पर जाकर मीट करनी थी, ये नहीं बना, वापिस देखना पड़ेगा अपने को। थोड़ा बहुत छोटा ले लेते हैं, शायद ज्यादा बड़ा होगा इसलिए थोड़ा पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि जो इमेज बनने वाली है वो कैसी है, बड़ी बनने वाली है। तो ये अपन ने यहाँ पर लिया, ये पैरेलल जा रहा है पासेस थ्रू फोकस, ये हमारा फोकल पॉइंट निकल गया। उसके बाद में देखो ये डिस्टेंस कौन सा कहलाएगा, फोकल लेंथ, इसका डबल क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर आपको मेजरमेंट सही नजर आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा पॉइंट हो गया सी, यहाँ से सी से जो लाइन जा रही है वो वापिस कहाँ पर आ रही है, सी पर ही आ रही है, तो पूरा का पूरा अभी सही है। ए बी ए डैश बी डैश ये वाला कोण। नेक्स्ट हमें चाहिए एड एफ, इसका थोड़ा प्रॉब्लम कम रहता है, बन गया पैरेलल, पैरेलल से कहां पर पास होगा, फोकस पे से। दूसरा वाला करना चाहिए फ्रॉम कहां पे, सी से लेके सी तक, सारे एक जैसे चल रहे हैं बिना बेटा, पहले पैरेलल से फोकस और उसके बाद सी से लेके सी, ये गया यही सही है लाइन वापस से आ गई, जाने दीजिए, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दो, सीधी सीधी ड्रॉ करना ऐसा टेढ़ा नहीं। ये हो गया आपका इनफिनिटी, ये ए डी इमेज कहाँ बनी हमें नहीं मालूम, वो हो गया इनफिनिटी। लास्ट बिटवीन एफ एंड पी, पोल पे जा रहा है, पोल पे से वापिस नीचे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ से सी पे से जा रहा है, ये यहाँ पे गया, ये वाला यहाँ पे गया, ये गया एट वन पॉइंट। क्या करना है अपने को, बिहाइंड द मिरर शो करना है, तो ये वाली हमारी जो पॉइंट सी पे से आता है वो सी पे से ही जा रहा है, गया पीछे डॉटेड लाइन ले ली। ऐसे यहाँ से हमने बोला कि पोल पे आया, पोल पे से गया, इस रिफ्लेक्टेड वाले को पीछे ले लिया, पीछे जो भी लोग है वो डॉटेड लाइन से डिनोट होगा, वहां पर हमें इमेज जो बनी वो एनलार्ज है और इरेक्ट है, एरो मार्क यहाँ भी सीधा है, एरो मार्क यहाँ पर भी सीधा है, तो दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट।